देखो वही सबसे छोटा चूल्हा है। इसमें एलपीजी गैस प्लस और बुटेन गैस ही चलेगा अपना। ये बात ये भाई उसके लिए से ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो ये तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। देखो लाइट मारता है चूल्हा वगैरह चलाना है तो भाई उसके लिए से हवा चलती रहती है तो इसके साइड में लगा से हवा नहीं लगेगी यार। ये भी बहुत अच्छी चीज है यार। इसके अंदर ये लैंप है, ये लो है, फिर हाई है। ये जब आपको इसको टॉर्च बना दो कैंपिंग वगैरह बाहर जा रहे हो तो इसको टॉर्च बना के इसको बाहर यूज कर लो इसको। हाँ स्पीकर भी है इसके अंदर हो रहे की है, ब्लूटूथ स्पीकर और स्लीपिंग बैग भाई है, कस्टमाइज भी करवा सकते हो यहाँ पे। आप जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उस तरीके का बता दो भाई से कस्टमाइज करवा सकते भाई। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल भाटिया ब्लॉग्स, कैसे हो भाई सारे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला भाई कैंपिंग का सामान आप कहाँ से ले सकते हो, क्योंकि भाई अब मौसम तो हो गया है कैंप में जाने का मतलब बाहर घूमने का, तो कैंपिंग का सामान तो आपको चाहिए ही, तो कहाँ से आप सामान ले सकते हो सारी चीज आपको बताऊंगा मैं। और अभी फिलहाल मैं आया हूँ भाई प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास, पड़ता है SR ट्रैकिंग सेल्स करके है। तो सारी चीज आपको मैं बता दूंगा, डिस्प्ले पे शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप आ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो पहले दिखाते हैं भाई से क्या क्या सामान भाई के पास है। ये यहाँ के ओनर है, तो आप यहाँ पे आओगे तो भाई मिलेंगे और ये भाई मिलेंगे। तो क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम शाहरुख है। भाई का नाम शाहरुख भाई है और मतलब इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल रहा होगा, तो इस पे आपको जो चीज़ चाहिए इनके व्हाट्सएप पे करो और मतलब कोरियर भी कर देते हैं। और यहाँ पे आप लेना चाहते हो तो भाई एड्रेस क्या आपका? यहाँ का एड्रेस है जी प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 124 के जस्ट सामने, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 124 के सामने, मतलब शास्त्री नगर प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के बीच में दुकान है ऑन रोड। अच्छा वॉकिंग डिस्टेंस कितना है मेट्रो स्टेशन से यार? ये करीबन कोई होगा 500 मीटर के आसपास का होगा। मेरे दुकान का नाम है SR ट्रैकिंग सेल्स। तो भाई सामान दिखा दो भाई, क्या क्या सामान आपके पास मिलता है कैंपिंग के लिए? तो भैया सबसे पहले दिखा देते मैं कैंपिंग चूल्हा, जो कैंपिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये कैंपिंग चूल्हा है, ये इसके अंदर ये ब्यूटेन गैस वाला है। हाँ जी ब्यूटेन गैस वाला है, ये ब्यूटेन गैस से चलेगी अपनी। इसकी 5-6 घंटे की इसकी कैपेसिटी है, इसकी 5-6 किलो की इसके ऊपर वजन धर सकते हो इसके ऊपर। 500 रुपये का चूल्हा है, 150 रुपये की ब्यूटेन है इसकी। अच्छा आप ये कोरियर वगैरह भी करते हो या यहीं पे आके लेना पड़ता है? नहीं कोरियर वगैरह भी करते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी है मतलब। ऑल ओवर इंडिया, तो भाई ऑल ओवर इंडिया इनकी कोरियर सर्विस भी है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इनसे कॉन्टैक्ट करके जो आपको चाहिए उनका व्हाट्सअप कर दो और सारी चीज मतलब कोरियर मिल जाएगी आपको, वो भी ऑल ओवर इंडिया। और मतलब इससे बड़ा चूल्हे भी आते हैं वो भी, ये तो बाइकर्स के लिए हो गए जैसे ना बाइक वगैरह। और फिर एक चूल्हा ये मिल जाएगा हमारे पास कमल वाला जो है, कमल वाला चूल्हा है। हाँ जी इसके अंदर भी बुटेन गैस लगेगी हमारी है। इसके अंदर क्या होता है आपका जो हवा आती है ना, हवा नहीं लगेगी इसके ऊपर, आपकी गैस भी बता कर देंगे। हाँ जी तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा रखना होता है इसके ऊपर, ऐसे बड़ा बर्तन रखना तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा कर लो इसको, जितना मर्जी कर लो बड़ा छोटा इसको। ये 850 रुपये का चूल्हा है, चूल्हा 850 का है, 150 रुपये। फिर एक चूल्हा ये हमारे पास मिल जाएगा जिसके कैपेसिटी इसके ऊपर 10-15 किलो की कैपेसिटी है। इसके अंदर पाइप वगैरह भी है, इसमें एलपीजी चल जाते हैं क्या? ये एलपीजी गैस वाला नहीं, यही वाले सिलेंडर से चलेगा, ये इस वाले सिलेंडर से चलेगा। हां जी इसकी कैपेसिटी इसके 4-5 घंटे की कैपेसिटी है बोतल की। ये सिलेंडर अलग से आता है? हां जी ये सिलेंडर आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये 1200 रुपये का चूल्हा है और 600 रुपये की बोतल है इसकी। इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी देर चलता है ये? 4-5 घंटे का चलता है ये, 425 ml का ये। करेंगे इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ अगली बार से। अच्छा कि बुटेन गैस से भी चले कुछ ना कुछ करेंगे इसका। ये चला के दिखा देता हूँ कैसे चलेगा। ये बड़े चल रहा यार, छोटा सा बिल्कुल सही काम आएगा। ये 1600 रुपये का पूरा सेट पड़ जाएगा आपको, 1000 रुपये का ये, 600 रुपये का ये। अच्छा 1000 रुपये का ऊपर का हो गया, 600 रुपये का हो गया, सही है यार। 1600 रुपये में तो ये क्या बर्तन है? ये बर्तन है, ये इन सबके ये छोटे बर्तन है, एक बंदे के लिए दो बंदे के लिए चाहिए तो। ये भगोना है, ये सर्विस स्पून है इसका, निकाल सकते हो आप। एक चमचा जूना दे रखा है और एक ये जून है और ये फ्राई पैन है इसका। ये 1000 रुपये का सेट है ये। ये नॉनस्टिक होते हैं? हाँ जी छोटा सा बिल्कुल ठीक है यार, एक दो बंदे दो बंदे के लिए, बाइकर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर एक और गाड़ी वगैरह जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी चूल्हा मिल जाएगा हमारे पास। ये चूल्हा तो भाई हमारे पास भी है, इसमें एलपीजी गैस प्लस से और बुटेन गैस से ही चलेगा अपना ये। अच्छा ये एलपीजी से और उसके ब्यूटेन से भी चल जाएगा? बुटेन गैस से भी चलेगा ये।
और ये चूल्हा तो ठीक लगता है मेरे को, क्योंकि हमने भाई घर में भी यूज कर लेते हैं एक बार ये गैस लगा के। इसका क्या प्राइस है? ये 1500 रुपए का है सर। 1500 रुपए का? हाँ जी। तो बात भाई ये छोटा सा फैन भी है, देखो ये कैसे चलता है। ये गर्मी वगैरह में जब जा रहे हो आप ना, अब तो सर्दी आ गई है, अभी पावर बैंक से चलेगा और अपना मोबाइल चार्जर से चल जाएगा अपना ये। अच्छा पावर बैंक से भी चला सकते हैं इसको, छोटा सा पंखा है, बिल्कुल अच्छा है भी बहुत। सोलर चार्जर से भी होगा, बिजली चार्जर से भी होगा ये। और विदाउट सोलर चाहिए तो विदाउट सोलर भी मिल जाएगा हमारे पास, ये 300 रुपए का सेम कैपेसिटी, इसको 4 से 5 घंटे की कैपेसिटी इसको पड़ेगी। फिर हेडलैम्प मिल जाएंगे चार्जेबल हमारे पास, एक ये फंक्शन है इसके अंदर, तो आप जमीन में और कर सकते हो फिर बिलिंग के। ये 500 रुपए का ये हेडलैम्प हो गया है। हाँ जी, बड़ा हेडलैम्प है चार्जेबल, ट्रैकिंग वगैरह पे जाते जो कैंपिंग के बाहर वगैरह जाते हैं ना जो बाद ये भाई उसके लिए से ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है, देखो लाइट मारता है। ये 500 रुपए का और इसमें और चाहिए हैवी क्वालिटी का तो हैवी क्वालिटी का मिल जाएगा, फिर ये 600 रुपए हो जाएगा। ये वाटर प्रूफ और ये दोनों वाटर प्रूफ टॉर्च है हमारे पास ये। और फिर जो कैंपिंग वगैरह में जा रहे हो टूल किट भी मिल जाएगी हमारे पास ये। इसके अंदर ये प्लास है, हथौड़ी है, कुल्हाड़ी है, कील निकालने का भी है इसमें, और इसमें 5000 यहाँ पे भी दे रखे हैं इसके अंदर। ये 400 रुपये का टूल किट है। ये छोटी सी चीज़ में सारी चीज़ मतलब मिक्स है, प्लास भी हो गया, हथौड़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया इसमें यार। देखो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये विंड प्लेट है, ये इसको गैस के साइड में रखा है। जैसे वो चूल्हा वगैरह जलाना तो भाई उसके लिए जैसे हवा चलती रहती है तो इसके साइड में रखा है, वैसे हवा नहीं लगेगी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यार। ये किसका क्या प्राइस है? ये 400 रुपये से। 400 रुपये का है का। और फिर इसके बाद बेलचा मिल जाएगा हमारे पास, जो बाइक वगैरह जाते हैं ये अपना गड्ढा मार सकते हैं। इससे बियर ओपनर भी दे रखा है यहाँ पे छोटा सा एक, वही दारू वाले की तो बहुत अच्छी चीज है ये तो यार। और फिर इससे भी बड़ा मिल जाएगा हमारे पास ये बड़े वाला है। ये सबसे बड़े वाला है 500 रुपए का। ये इसमें एक और रेंज है वो 400 रुपए का। कैंप लगाने के लिए जैसे सोना वगैरह खोलनी है, फिर पट्टी वगैरह खोलनी है, उसके लिए भी काफी चीजें हैं, कहीं गाड़ी वगैरह फंस जाए तो उसे निकाल सकते हैं। और फिर ये वाटर डिटर्जेंट में मिल जाएगा हमारे पास, जो 15 से 20 किलो की होती है जो कैन, उसके नीचे लगा के अपना सोख लेगा पानी, आप ऊपर निकालेगा पानी है अपना। हाँ जी, कितने ये 250 रुपये का ये। ये चार्जेबल है और ये यूज भी ये चार्ज होगा 5 से 6 घंटे की, इसके ऊपर भी कैपेसिटी है। अच्छा किसी को चीज़ से पूरे इंडिया में बता रहा पूरे सर्विस है, तो मान लो एक चीज़ मंगाओ तो एक चीज़ भेज देता हूँ। हाँ एक चीज़ भी भेज देंगे हम, एक चीज़ मंगाओ 10 चीज़ मंगाओ हमारे पास ये, जितनी मर्जी सामान मंगाओ। तो हमारे पास जैसे कोई सिंगल आइटम भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है ऐसे, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लिमिट हो, तो एक जैसे आपको सिंगल चीज़ चाहिए तो वो भी कोरियर हो जाएगी हमारे पास। और क्या क्या भाई? स्नो बूट्स मिल जाएंगे जो पहाड़ वगैरह पे, जो स्नो बूट मिल जाएंगे जो पहाड़ वगैरह पे जो जाते हैं ये ट्रैकिंग के लिए। ये इसके अंदर फ्लीस भी लगी रहेगी जो आपको गर्म गर्म रखेगी अंदर इसकी, ये और वो वाटर प्रूफ भी हो रही है। देखो जैसे इसमें ना अंदर मतलब स्नो भी जा सकते अंदर, सिलाई लगी हुई है यहाँ पे। हाँ जी, ये 950 रुपये का ये। फिर गेटर्स मिल जाएंगे हमारे पास ये क्रैम्पॉन्स, जो बर्फ वगैरह में जाते हैं, जो बर्फ वगैरह में जूते वगैरह जिनके स्लिप करते हैं ना, ये चेन है वो। शूज के नीचे लगा लो उसको ऐसे करके। हाँ जी हाँ जी। इसका कोई साइज होता है? नहीं इसका कोई साइज नहीं होता, इसका ये फ्री साइज होता है, 5 से 12 नंबर तक आ जाएगा ये आपके। देखो भाई कितने बड़ा जूता हो कितना छोटा जूता हो सब में आ जाएगा एक बार में। ये क्या है? ये जादुई लैंप है। ये जादुई लैंप? हाँ जी, इसको आप ऐसे खोल के, इसके अंदर ये लैंप है, ये लो है, फिर हाई है ये। जब आपको इसको टॉर्च बना, जो कैंपिंग वगैरह बाहर जा रहे हो तो इसको टॉर्च बना के इसको बाहर यूज कर लो इसको, ये तो सच में जादू ही है यार। हाँ जी, और इसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर भी है। स्पीकर भी है इसमें? हाँ स्पीकर भी है इसके अंदर, हो रहे की ब्लूटूथ स्पीकर। एक चीज में तीन तीन चीज और क्या चाहिए कैंपिंग में अच्छे काम के लिए? स्पीकर भी होगा, लैंप भी हो गया, और पीछे टॉर्च भी हो गई, काफी अच्छी चीज है यार। तो भाई अब जो जरूरी चीज होती है ना कैंपिंग में, स्लीपिंग बैग चाहिए। जैसे माइनस में अब तो सर्दी ज्यादा आ गई तो पहाड़ में तो और भी ज्यादा सर्दी होती है, तो उसके लिए स्लीपिंग बैग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये +10 डिग्री तक चलेगा जी, ये 10 डिग्री तक का है। हाँ जी +10 डिग्री तक चलेगा ये, पूरा 7.5 फुट का ये, और वाटर प्रूफ भी हो। ये 500 रुपए का ये पूरा वाटर प्रूफ है। हाँ जी पूरा वाटर प्रूफ है, नायलॉन का पीस है ये। माइनस वाले दिखाओ तो माइनस वाले चाहिए।
ये लो जो जो -15-20 डिग्री तक जो जाते हैं, जो अभी लद्दाख वगैरह में, ये -15-20 डिग्री में चलेगा आपका, ये 15-20 तक चल जाएगा। बिल्कुल टेस्टेड है ये जी हमारे पास। ये इसके अंदर दो स्लीपिंग बैग होते हैं जी, दो स्लीपिंग बैग। हाँ जी, जब आपको अलग अलग करके दो बंदे यूज करना है तो अलग अलग करके दो बंदे यूज कर लो इसको। हाँ जी, ये साढ़े, हाँ जी, साइडों में खोल के इसको दो भी कर सकते हैं, और ज्यादा ठंड में जाना हो तो अपना एक में ही कर सकते हो इसको। हाँ जी, कप्पल प्राइस ये 1650 रुपए का, ये 1650 रुपए। हाँ जी, कप्पल स्लीपिंग बैग भी मिल जाएगा हमारे पास, कप्पल के लिए भी स्लीपिंग बैग मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर दिखा दे, वो 2000 रुपए का, 2000 रुपए और फिर 2500 रुपए का, दो रेंज है उसमें। उसमें क्वालिटी का दो क्वालिटी हमारे पास उसमें। और फिर एक टेंट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दो इम्पोर्टेंट तो भाई टेंट है। ये कुछ इस तरह बन के दिखेगा ये, और ये दो बंदों का टेंट है, ये सिंगल लेयर टेंट है, जैसा बाहर देख रहे हो वो लगा होगा हमारे पास टेंट। ये सिंगल लेयर वाला है? हाँ जी, ये सिंगल लेयर वाला है। आपको डबल लेयर चाहिए तो डबल लेयर भी मिल जाएगा। ये तो एक बंदे के लिए है लेकिन, है ना? हाँ जी, तो एक बंदे से लिए कितने बंदे तक का टेंट? 6 बंदे तक है हमारे पास, छोटे डोम में तो 6 बंदे तक है हमारे पास। जो अल्पाइन टेंट होते हैं बड़े हार्ट शेप के ना, उसमें तो आप जितना मर्जी ले लो, 10 का 12 का 15 का 20 का जितना मर्जी ले लो उसमें आप। हमारे वाले भी टेंट मिलते हैं, वाले टेंट भी मिल जाएंगे हमारे पास जी। फिर हमारे पास रक्षक बैग मिल जाएगा, जो 60+10 लीटर का होता है, ये भी 10 लीटर। हाँ जी, सबसे मेन चीज़ है जी, इसके अंदर भर के ले जाओगे ना आप इसको, ये 10 लीटर का, इसमें डिटैच कर सकते हो। हाँ जी, इसी में अटैच हो जाता है। फिर जैसे आप जैसे होटल वगैरह में रुक रहे हो तो बड़ा पिट्ठू बैग रख के अंदर, छोटा पिट्ठू बैग बाहर ले जा सकते हो अपने इसमें। आपकी हाइट छोटी है छोटा कर लो, बड़ी है तो बड़ा कर लो इसको। हाँ जी, ये 2000 रुपए का है, इसमें हमारे पास 5-6 क्वालिटी मिल जाएगी हमारे पास। आप 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 1650 रुपए, 1850 रुपए का। और ये नीचे टेबल? हाँ जी, ये टेबल है। फिर हमारे पास ये इस टेबल में, हाँ जी, आप शाम के पार्टी वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें बेस्ट है ये। ये 1500 रुपए का ये फोल्ड हो जाती है? हाँ, फोल्ड हो जाएगी, एकदम छोटी पैकिंग है इन सब की। ये देखो, इस पैकिंग में तंग हो जाती है, देखो भाई, फोल्ड हो गए, बिल्कुल ऐसी हो जाती है, छोटी पैकिंग हो जाएगी एकदम। और जो स्लीपिंग बैग है, इस तरह की पैकिंग हो जाती है, देखो। और स्लीपिंग बैग भाई है, कस्टमाइज भी करवा सकते हो यहाँ पे आप, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस तरीके का बता दो भाई से, कस्टमाइज करवा देते भाई, बना के आपको दे देते हैं। फोल्डिंग चेयर मिल जाएगी हमारे पास, ये फोल्ड होकर एकदम छोटा हो जाएगा, ये एकदम इतना छोटा हो जाएगा ये। और फिर जो बड़ा करना है तो बड़ा कर लो इसके ऊपर। 150 के लिए कैपेसिटी है इसके ऊपर। 150 किलो? हाँ जी, 150 किलो तक मतलब कोई बंदा बैठ सकता है इसमें। इसमें भी एक साइड में कप होल्डर दे रखा है छोटा सा, तो काफी ठीक है ये भी। इसका क्या प्राइस है? ये 750 रुपए का, दो प्राइस है इसके, 750-950। और फिर छोटा फोल्डिंग स्टूल मिल जाएगा हमारे पास, ये 350 रुपए का ये। इसके ऊपर भी 150 किलो की कैपेसिटी है, इसके ऊपर भी देख सकते हो। हाँ जी, और बिल्कुल फोल्ड लेके छोटी हो जाएगी। हैंगिंग सिस्टम दे रखा है। हाँ जी, ये भी फोल्ड, बिल्कुल छोटा हो जाएगा फोल्ड लेके। हाँ जी, ये भी फोल्ड हो जाएगा ये। इस पे कितनी कैपेसिटी है? ये 100 किलो की कैपेसिटी है, इसको ऐसे बंद हो जाएगा ये। बंद भी हो जाता है ये? छोटा सा बन गया। और इसको अपना हैंगिंग कर लो इसको। अच्छा, हैंग करने के लिए दे रखा है भाई, छोटा सा ब्रश की धार टांग के चल दे। तो ये भी काफी ठीक है यार, ऐसे खोल के बड़ा कर लो, एडजस्टेबल है इसको, जितना साइज का करना आपको उतना कर सकते हो आप इसको। ये लो जी, ये कपल स्लीपिंग बैग है भाई, कपल के स्लीपिंग बैग देखो, इसकी तो पैकिंग भी थोड़ी बड़ी है। ये पूरा 7x7 का ही है, अपने डबल बेड का ही है, डबल बेड की तरह है। इसमें 2 से 3 बंदे आ जाएंगे इसके अंदर, इसके ये माइनस वाला है कैसे? ये -10 डिग्री तक चल जाएगा आपका ये। इस जब आप जब अलग अलग सोना है आपको तो अलग अलग करके दो बंदे इसको अलग कर सकते हो। ये पूरा चैन से डिटैच हो जाएगा पूरा ही। एक पीस अलग यूज कर लो और दूसरे पीस को अलग यूज कर लो। इसका क्या प्राइस है? ये 2000 रुपए का है, 2000-2500। दो रेंज है, हाँ दो रेंज है हमारे पास। 2000-2500 जब लड़ाई हो जाए तो अपना अलग अलग करके सो जाए इसको। इसी में एक जैकेट भी है हमारे पास, ये भी 950 रुपए की है। इसके अंदर कलर होते हैं हमारे पास, 5-6 कलर हो जाएंगे इसके अंदर। साइज भी मिल जाएंगे, और LXL XXL XXL तक मिल जाएंगे हमारे पास इसके। 4XL? हाँ जी। इसका क्या प्राइस है? 950 इसका। हाँ जी, -7-8 तक ये भी जाएगी। और फिर एक कैंपिंग मैट मिल जाएगा हमारे पास, जो 6 फीट लंबा है और 2.5 फीट चौड़ा है। ये पूरा 6 फीट लंबा है,
ये 300 रुपये का है। ये भी वाटरप्रूफ है, इसके अंदर भी कलर होते हैं हमारे पास, 10 से 12 कलर होते हैं हमारे, एनी टाइम होते हैं जी। तो भाई सबसे अलग चीज़ ये देखो मेरे हाथ में क्या है, एक बिल्कुल जैसे टैबलेट खाते हैं कैप्सूल की तरह, उसकी तरह है। इसमें क्या है? इसके अंदर देख खाने है क्या ये? हाँ जी ये फोल्डेबल छछाता है, ये छछतरी है। हाँ जी, जितना इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो, जितना मर्जी छोटा कर लो, इसको भी एडजस्टेबल है, इसके अंदर एडजस्टेबल छाता है भाई। ये लो, कहीं पे अचानक बारिश हो गई, अपना जिम में पड़ा रहा है, खोलो और सही है, बिल्कुल छोटी सी इसमें पैकिंग होती है, बिल्कुल कैप्सूल की तरह है देखो। उसके बाद अपना खोल लो, फिर अपना छतरी के एंजॉय कर। इसके अंदर दो क्वालिटी है, इसके अंदर भी एक अंदर दो क्वालिटी। हाँ जी, एक लंबा है, आप वहाँ देख पा रहे हो, वहाँ रखा होगा आपके पास वो, एक ये इसकी पैकिंग अलग है, ये छाता है। हाँ ये भी छाता है, ये उतना बड़ा हो जाएगा, ये भी इतने उतने उसी के जितना हो जाएगा। तो भाई वीडियो में आपको सारी चीज़ हमने बताई दी है, क्या क्या आप यहाँ से ले सकते हो, क्या क्या यहाँ पे मिलता है, और सारी चीज़ मतलब पूरी ऑल इंडिया में डिलीवरी करते हैं भाई, और भी तो भाई सारी भाई ने बताई दी थी आपको। तो भाई यहाँ के जो ओनर है उनसे मिलवाते हैं आपको, तो उनसे बात करते हैं, ये भाई बता रहे थे कि स्लीपिंग बैग जो होते हैं ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं सारी बातें भाई से पूछते हैं। तो ये भाई है भाई, यहाँ के ओनर है। तो भाई क्या नाम आपका? स्लीपिंग बैग में आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी, स्लीपिंग बैग में खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी खुद की फैक्ट्री है स्लीपिंग बैग की। अच्छा, ठीक है जी। 400 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास में स्लीपिंग बैग, 3000 रुपये तक, 2000 रुपये तक, बहुत क्वालिटी है। और जी तुम आप अपना भी जैसा मर्जी स्लीपिंग बैग बनवाना चाहते हो, कम से कम मिनिमम 50 पीस हो या 100 पीस हो तब बनेगा, ये नहीं आप दे दो एक दो पीस बना दो भैया हमारा ये पीस बना दो। कोई अगर ऑर्डर देगा 50 पीस का, 100 पीस का, 500 पीस का, मतलब 10,000 पीस, 50,000 पीस, जितने मर्जी तक का, सब कंटिन्यू तैयार होगा फैक्ट्री में अपनी। तो भाई जो बनवाना चाहते हैं मतलब सिंगल पीस बनाते हैं, सिंगल पीस तो ये बने बनाए रखे हैं, हाँ। आप ले सकते हो। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो 50 पीस भी होंगे, 100 पीस भी होंगे, तब भी कर देंगे मतलब मिनिमम कहने का मतलब। हाँ, मिनिमम 50 पीस तो होने चाहिए। हाँ। तो ये कस्टमाइज करते कर देते हैं, जैसा मतलब आप बोलोगे उसी हिसाब से कर देंगे, उसी हिसाब से कर देंगे जैसे बताएंगे। किसी भी तरीके का डिजाइन हो पीस में, कुछ भी हो, कोई सा भी कपड़ा हो, सब चीज़ अपना आप ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जी 400 रुपये से स्टार्टिंग होगी पीस की, और तुम अपना 1500 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, जितने मर्जी तक का पीस बनवाओ, जैसा अच्छा लगे, अपने डिजाइन देंगे। मतलब कैसा भी डिजाइन बताओ। हाँ जी, कैसा देखें, पैंट का, जैकेट का, रेन सूट, रेन कोट, पोंचू, अच्छा ये सब भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जी।